असलम व्यवर्स मेरा नाम बिलाल खान है और आप देख रहे हैं हरमैन रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स का ऑफिशियल चैनल यूट्यूब और इसमें आज हम लेकर आए हैं आपके लिए दो किनारे घर जो कि फेस सिक्स फेयर कमर्शियल से बिल्कुल वर्किंग डिस्टेंस के ऊपर है ये घर एक कैनेडियन फैमिली ने अपने डिज़ाइन और अपने शौक के मुताबिक बनाया था जिसको उन्होंने यहाँ पर शिफ्टिंग के लिए ही बनाया था लेकिन उनकी किस्मत में नहीं था पाकिस्तान में रहना तो वो इसमें शिफ्ट नहीं हो सके घर इंतहाई खूबसूरत है स्ट्रेट लाइन मॉडर्न डिज़ाइन पर घर बना हुआ है इसके अंदर आपको छः बेडरूम मिलते हैं इसके अंदर स्विमिंग पूल मिलता है आपके घर के अंदर आपको होम थिएटर मिलता है जो कि प्योर ओरिजिनल होम थिएटर बना हुआ है आपके पास घर में बहुत ही एलिगेंट डिजाइन है उसके अंदर आपको डिफरेंट प्रोफाइल लाइट्स मिलती हैं और इसके अंदर आपको स्विमिंग पूल मिलता है और स्विमिंग पूल इस टाइम डी में वह देखा रहा है जिसकी ग्राउंड uh, फ्लोर के ऊपर स्विमिंग पूल बना हुआ है स्विमिंग पूल के साथ इन्होंने पूरा का पूरा पार्टी सिस्टम रखा हुआ है पाउडर रूम बनाया हुआ है शावर एरिया बनाया हुआ है और इसके साथ इन्होंने uh, एक इंडस्ट्रियल uh, किचन भी बनाया हुआ है जिसके अंदर आपको हॉट प्लेट ग्रिल फ्लेट और इसके अलावा डिफरेंट चीज़ें को मिल जाती हैं यहाँ से इसका आप व्यू देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है व्यू आपके पास चार बड़ी गाड़ियों की पार्किंग है और घर का डिजाइन बहुत ही आप कह सकते हैं कि एक न्यू ट्रेंड के ऊपर बना हुआ डिजाइन है इसका स्टेप लाइट्स दी हुई हैं यहाँ पर इम्पोर्टेड ग्रेनेड्स दिए हुए हैं और एक बात ये कि इसके अंदर इन्होंने विंडोज लगाई हुई डबल डबल्ड है जो कि साउंड प्रूफ भी है और हीट प्रूफ भी है तो आपको इस जगह इनर एरिया के साथ साथ मैं बाहर एरिया का बता देता हूँ यहाँ पर ये सारा इसका लैंडस्केप आप देख सकते हैं वो पैड बना हुआ है वहाँ पर जनरेटर पैड है वहाँ जनरेटर इंस्टॉल कर सकते हैं गार्ड रूम दिया हुआ है और यहाँ पर लैंडस्केप इतहाई ख़ूबसूरत किया हुआ है क्योंकि इन्हें अपने खुद बनाया था तो इसलिए एक एक चीज़ इनकी बेहतरीन लगी हुई है यहाँ पर जो आपका डोर हैंडल लगा हुआ है ये डोर हैंडल ही कम से कम ढाई तीन लाख रुपए का है ऑटोमेटिक है फिंगरप्रिंट से भी चल सकता है और लॉक के साथ भी आप इसका नम पैड भी लगा सकते हैं यहाँ से आप जैसे एंटर होते हैं तो ओहो अमेजिंग है भाई बहुत ही खूबसूरत है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इन्होंने शेंडर यूज किया हुआ है ये कस्टम मेड शेंडियर है जो कि आपको किसी घर में मिलेगा ही नहीं और इसके साथ जो फर्नीचर रखा हुआ है वो भी बहुत ही खूबसूरत रखा हुआ है मतलब आप कह सकते हैं कि यार वाकई ही एक टेस्टफुल घर है ये नीचे जो मार्बल यूज किया गया है क्योंकि मेरा कंस्ट्रक्शन से काम कंस्ट्रक्शन uh, मेरा काम है तो मुझे इसकी कीमत का पता है ये चार साढ़े चार से पाँच हजार रुपये पर स्क्वायर फीट वाला मार्बल है इसको ग्रे, ग्रेनाइट है बेसिकली ग्रेनाइट है स्ट्रॉगेस्ट स्टोन uh, है उसके बाद देख सकते हैं फर्नीचर सारा इंपोर्टेड है अगर आप इसकी एक एक चीज देखते हैं जैसे देखिए कितनी जबरदस्त हाई ग्लोजिंग हुई है लैंप्स देख लें बहुत खूबसूरत है आपके पास ये जो एरिया है ये बेसिकली आपका ड्राइंग रूम एरिया है घर में जो सेंटर होता है को ड्राइंग रूम मिलता है और यहाँ से आपको इधर आपको मिलता है इस घर का डाइनिंग टेबल क्योंकि इनकी फैमिली बहुत छोटी फैमिली थी उस लिहाज से इन्होंने अपना ये एक छोटा सा डाइनिंग टेबल सेट किया हुआ है लेकिन आप इसको इंक्रीज कर इंक्रीज कर सकते हैं आपके पास स्पेस है आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं क्योंकि ये रिवायती घर नहीं है जिस तरह आप नॉर्मल हम घर देखते हैं कि एंटर होते हैं तो ड्राइंग ड्राइनिंग लाउंज और डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स आपको मिलती हैं यहाँ पर उन्होंने पूरी ओपननेस दी हुई है आप जैसे एंटर होते हैं आपको लगता है कि मैं किसी फाइव स्टार होटल की लॉबी में एंटर हो गया हूँ व्यवसाय दूसरी बात यह कि ना इसमें जितनी भी चीजें लगी हुई हैं कोई चीज लोकल नहीं है हर चीज़ इंपॉर्टेंट है और हर चीज़ की अपनी एक अपनी एक हिस्ट्री है ऊपर आप देख सकते हैं सैमसंग के कंसील्ड एसी लगे हुए हैं यहाँ पर इसके ये हमारे पास आ गए हैं बड़े जबरदस्त किस्म के हैंगिंग लाइट्स दी हुई हैं ये एक्सेस जो है ना यहाँ पर हमारे पास बुफे काउंटर आता है बुफे काउंटर के साथ ही वहाँ पास स्मॉल किचन आता है ये आपको मैं दूसरे सेगमेंट में दिखाता हूँ उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का कि जो मेन हमारी एक्सेस है यहाँ स्टेज ऊपर जाती हैं और नीचे बेसमेंट को भी जाती हैं अब ये स्टेज भी इससे पहले किसी ने नहीं बनाई हुई अब यहाँ से हम जब एंटर होते हैं तो ये जो डोर नजर आ रहा है आपको विवर्स ये डोर बेसिकली आपके घर का एरिया है अगर आप उसको लॉक करते हैं तो फैमिली एरिया और गेस्ट एरिया आपस में डिवाइड हो जाते हैं जैसे आप एंटर होते हैं तो आपको बहुत ही खूबसूरत किस्म का टी वी लॉन्च मिलता है और ये एल शेप सोफ़ा आपको पता है कि ये सोफा ही, ही निशानी है बाहर के लोगों की क्योंकि वो अपना ज्यादातर टाइम लिविंग एरिया में ही स्पेंड करते हैं यहां पर हमने एल शेप में सोफ़ा रखा हुआ है जिसका फैब्रिक टोटल टर्किश है उसके बाद यहां पर ये एक खूबसूरत किस्म का आ, सेंटर टेबल दिया हुआ है साथ में नाइट स्टैंड दिए हुए हैं यहाँ पर एक और आपको सोफ़ा मिल जाता है कर्व और यहाँ से जो आपको व्यू मिलता है बहुत ही अमेजिंग है कि आप देखिए ये ब्लू वाटर अब हर टाइम आपको नेचर के करीब लेके जाता है और आप बिलीव कर सकते हैं कि इस टाइम घर और बाहर अंदर घर के अंदर में टेम्परेचर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है इतनी मतलब आप कह सकते हैं कि कूलिंग इसके अंदर है कि बाहर अच्छी खासी गर्मी है एक चीज़ बताओ तो आपको पूरे घर के अंदर ये एक्सचेंज लगा हुआ है आपके बेडरूम में सर्वंग क्वार्टर में आपके किचन में सर्विस किचन में सर्वंग क्वार्टर्स में तमाम बेडरूम में फ़ोन से पूरे घर को कनेक्ट किया गया है अगर आपने किसी को फोन करना है तो आप यहाँ से फ़ोन करेंगे और डायरेक्टली कॉल मिल जाएगी विवर्स ये किचन जो बना हुआ है ये चौथाई कंपनी का किचन है और उनका ही बनाया हुआ किचन है यहाँ पर पूरी वॉल डेकोर की गई है जिसमें आपके डिफरेंट आपके शील्ड्स आपके आ, इनाम वगैरह आपको मिलेंगे और दूसरा यहाँ पर टेक्टॉल की शीट लगी हुई है जिसमें आपको एम्बोज हुआ इसमें आपको बर्नर मिल जाएगा और साथ ही यहाँ पर आपके पास ये खूबसूरत किस्म का ये एग्जॉस्ट मिल जाता है और इसके अंदर आपके पास ये देखें कंसेंड आपके पास फ्रिज मिल जाती है फ्रिज भी ये इम्पोर्टेंट फ्रिज है लोकल नहीं है और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये कैबिनेट्स हैं उसके बाद ये माइक्रो ओवन बेकिंग ओवन मिल जाता है साथ में हमारे पास कॉफ़ी मशीन मिल जाती है और इस तरफ हमारे पास एक बड़ी खूबसूरत अगर वो दिखाते हैं एक हमारे पास ऑलरेडी एक और खूबसूरत वॉडरूप है इसके अंदर आप अपने पूरी ग्लास के या टी शर्ट सारे रख सकते हैं रोज़ पूरे घर में सेंट्रली एयर कंडीशन है आप पूरे घर को टैब से कंट्रोल कर सकते हैं इसके अंदर आप अपने पूरे घर का टेम्परेचर भी कंट्रोल कर सकते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं कि सारे घर में ग्रीक ए लगे हुए हैं जो कि इम्पोर्टेड है और सबसे महंगे ए सी है जैसे आप एंटर आते हैं यहाँ पर ये एक बेडरूम मिलता है बेसिकली ये बेडरूम इस घर का आप कह सकते हैं कि बड़ा बेडरूम है और मैं आपको ये बता नहीं सकता कि इस टाइम ये बेडरूम कितना ठंडा है हालांकि ए बंद है इस टाइम क्योंकि विंडोज की डबल क्लेज है और बाहर से हीट अंदर बिल्कुल नहीं आती उसके बाद ये रिमोट लगे हुए पूरे घर में जितने भी ब्लाइंड हैं ये सारे ऑटोमेटिक है आप इन ब्लाइं को ईजिली यूज कर सकते हैं अप एंड डाउन विद विद कंट्रोल ऑफ रिमोट यहां पर आप एंटर होते हैं तो ये वारूप एरिया जैसे आपने वीडियो में देखा होगा पहले भी कि ये मेरा फेवरेट एरिया है यहां पर आपके पास ये देखे, ये देखें शूटरेज शूटरे हैं शूटर के पीछे आप चीजें रख सकते हैं डिफरेंट ऊपर नीचे भी कर सकते हैं उसके बाद यहां पर आपके पास ये देख सकते हैं अगेन आपके पास ये ऑर्गेनाइजर आ जाते हैं ये ऑर्गेनाइजर आपको ईजिली सॉरी अच्छा ये ऑर्गेनाइजर जो है ना आप इसको इजिली यूज कर सकते हैं आपका सामान बाहर निकाल अंदर कर सकते हैं और ये छोटे छोटे शशके होते हैं बेसिकली यही खूबसूरती ऐड करती है आपके ड्रेसिंग एरिया में हर वॉशरूम के अंदर ए दिया गया है उसके बाद इस तरह कर्व यहाँ पर हैंगिंग्स आ जाती हैं ये आपके पास ड्रेसिंग एरिया आता है देख रहे हैं आप ये इसमें आप हैंगिंग कर सकते हैं